हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? थियरी ऑफ इक्वेशन। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, अभी तक जैसे हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हम देख रहे थे दैट इज ऑफ क्वाड्रेटिक, अभी हम क्या करेंगे हायर डिग्री पॉलीनोमियल के लिए देखेंगे। तो देखना, मैंने लिखा, पहले लिख लेते स्टेटमेंट, लेट द nth डिग्री पॉलीनोमियल इन एक्स इज, देखो मैं लिख रहा हूं ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। लास्टली आएगा हमारा जैसे लास्टली इधर ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस इज वॉट माई nth डिग्री पॉलीनोमियल। जैसे इसी का स्पेशल केस क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, वेयर माय डिग्री इज टू। तो क्वाड्रेटिक होगा तो मेरे ये जिस सारे टर्म्स यहां से स्टार्ट होगा मेरा, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक। बट अगर मैंने एन तक लिया तो ये मेरा हो गया जनरलाइज। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे हमने लिखा था कि जैसे हमारा जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो उधर मैंने बोला था ए बी सी दीज आर माई रियल नंबर्स, दीज ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक और लिखा था कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों? अगर a जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। सिमिलरली आई विल राइट हियर आल्सो, क्या कि जो मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं a n a n माइनस वन एंड सो ऑन a टू a वन a नॉट, ये जितने भी n प्लस वन कॉन्स्टेंट है ये कितने हो गए टोटल, वन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वन से स्टार्ट होता तो n होते, तो दीज आर माई n प्लस वन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, दीज ऑल बिलोंग्स टू माई रियल नंबर। पहली बात जैसे इधर था ABC belongs to real number। Second important thing is, इसको मैं nth degree जब बोलूंगा an should not be zero, बाकी कोई भी zero हो चलेगा। Highest वाला अगर मैं इसको जैसे 4 तक लिखा है तो A4 zero नहीं होना चाहिए, अगर A4 zero हो गया तो 4 degree थोड़ी होगा। तो इधर I will write here an not equal to zero, clear है? Vis-a-vis जैसे quadratic में है वही चीज लिखी है बस, मतलब quadratic क्या होगा इसका special case when n is 2, clear है बच्चों? तो अब देखना, तो पहले तुम इसको कॉपी कर लो, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि अब देखना कि ये जो मेरा क्वाड्रेटिक था इसके मेरे दो रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, तो मैंने इस क्वाड्रेटिक को कैसे लिखा था याद है, इसको लिखा था ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अच्छा, दो रूट क्यों थे, बिकॉज ये 2 डिग्री है। अब ये मेरा एन डिग्री है तो इसके कितने रूट्स होंगे, एन रूट्स होंगे। तो लेट से जो रूट्स हैं वो मैं लिख रहा हूं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन, लेट से अल्फा एन। तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना कॉपी करो, मैं आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है? तो मैं इसको रब कर रहा हूं। देखना, मैंने लिखा कि ये मेरा हो गया nth डिग्री पॉलीनोमियल। अब मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे मैंने उधर लिखा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के, जो मेरा क्वाड्रेटिक था ऐसे दोबारा लिख रहा हूं मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a into एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको मैंने क्या बोला था, दिस इज एन आइडेंटिटी। ये क्या लिखा है, यही चीज इस डिफरेंट फॉर्मेट में लिखी है। क्या लिखा था, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी। और इसी से फिर मैंने क्या ड्राइव किया था, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, वही चीज अब हम nth डिग्री के लिए करेंगे। तो nth डिग्री में मैंने रूट्स क्या माने, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन। तो फिर जो मेरा nth डिग्री पॉलीनोमियल था दैट इज ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, लास्ट में लेट से ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे देखो इधर दो रूट्स थे अल्फा बीटा, तो मैंने ए लिखा था पहले, तो ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इधर मेरा हाईएस्ट कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर एन, उसका कोफिशिएंट क्या है, ए की पावर एन। तो ये मेरा हो जाएगा ए एन इंटू एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन टिल इट विल गो एक्स माइनस अल्फा एन। सो दिस इज वॉट माई आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है? यहां तक क्लियर है? जैसे उधर बोला था, नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी। अब हम इधर से निकालेंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फॉर हायर डिग्री पॉलीनोमियल। कैसे, जैसे इधर क्या किया था हमने, सम ऑफ रूट निकालने के लिए कंपेयर किए थे कोफिशिएंट, क्योंकि आइडेंटिटी है तो वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स। जैसे इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, इधर भी ए आएगा। इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या था, बी। इधर क्या था, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो उधर से मेरा आ गया था सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाय ए। वही चीज अब हम इधर करेंगे, कैसे देखना।
पहले मैं थ्री डिग्री के लिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं जनरलाइज करूंगा। अगर मान लो जैसे मैंने तुम्हें बोला x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लिखा है, ठीक है, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? इट इज वन। क्यों? क्योंकि ये वाला x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा फिर ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरा x क्यूब जनरेट होगा और मेरा इधर कोफिशिएंट आएगा 1। पहली बात, अब ध्यान देगा, अब ये तो ठीक है बहुत सिंपल सी बात है, अब मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे आएगा, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बिकॉज फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा इसकी क्यूबिक की हेल्प से। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे आएगा, जब ये माइनस वन मेरा सॉरी दो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब दो ब्रैकेट में से तो एक्स मल्टीप्लाई हो, जैसे इन दोनों का एक्स ये मल्टीप्लाई हुआ और ये जो प्रोडक्ट है वो ये दोनों का प्रोडक्ट है वो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो तो इधर क्या आएगा मेरा माइनस थ्री, ये तो एक तरीके से जनरेट होगा एक्स स्क्वायर। और कैसे होगा, जब मेरा अब देखना सेकंड वे ऑफ जनरेटिंग एक्स स्क्वायर, जब ये दोनों एक्स मल्टीप्लाई हो और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन से मल्टीप्लाई हो तो इधर आएगा माइनस वन। लास्टली एक और क्या तरीका है मेरा एक्स स्क्वायर जनरेट होने का, इन दोनों का एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो इन दोनों ब्रैकेट का और वो माइनस टू से मल्टीप्लाई हो तो इधर आएगा माइनस टू। क्लियर है? तो बेसिकली एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया, मैंने इधर लिखा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री, और ये जो क्यूबिक लिखा इसके रूट्स क्या है, वन टू थ्री, तो देखो इधर क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स ना, सम ऑफ रूट्स काइंड ऑफ। क्लियर है बच्चों? जैसे मेरा उधर आता था जब भी हम इसको भी ओपन करते थे तो क्या करते थे, ए टाइम्स एक तो एक्स स्क्वायर आया, फिर मेरा एक्स का कोफिशिएंट क्या आता था, प्लस एक्स टाइम्स देखो क्या आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो वही चीज इधर आ रही है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इधर तीन रूट्स है इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में तीन टर्म आ रहे हैं, तीन कौन तीन रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गई पहली बात। तो इसी के आधार पे अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक और देख लेते हैं, चलो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, अब मैं एक एक्स का कोफिशिएंट और डिस्कस कर लेता हूं। मैंने बोला एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो देखो एक्स का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, जब मेरा एक ब्रैकेट में से तो एक्स आए और वो दो वो जो एक्स इस माइनस टू से मल्टीप्लाई हो फिर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो तो इधर बेसिकली एक्स के साथ क्या आएगा, अगर मान लो मैंने ये मैंने एक्स लिया इसका इस ब्रैकेट का एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई हो फिर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा टू इंटू थ्री, क्या आएगा माइनस टू इंटू माइनस थ्री आएगा लेकिन दैट विल बी टू इंटू थ्री सिक्स प्लस। मैंने और कैसे जनरेट होगा एक्स, तो देखना अभी मैंने इसका एक्स लिया, अब मैं दूसरे ब्रैकेट का एक्स ले लेता हूं, लेट्स से मैंने इसका एक्स लिया और इन दोनों के कॉन्स्टेंट ले लिए तो इधर से क्या आएगा माइनस वन इंटू माइनस थ्री विच इज वन इंटू थ्री तो वन इंटू थ्री। और एक और तरीका है, क्या तरीका है एक्स जनरेट करने का, अब मैं इन दोनों में से ये हो गया मेरा टू इंटू थ्री वन इंटू थ्री और टू इंटू वन बचा तो इसका एक्स ले लेता हूं और इन दोनों ब्रैकेट का कॉन्स्टेंट ले लेता हूं तो एक्स इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन तो इधर क्या आएगा वन इंटू टू। अब मैं रूट्स के टर्म्स में सोचूं तो ये क्या लिखा है, अगर मान लो मैंने इसको अल्फा बोला इसको बीटा बोला इसको गामा बोला तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है अल्फा बीटा, ये लिखा है अल्फा गामा और ये लिखा है बीटा गामा, तो इसको मैं बोलता हूं बोलते हैं मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज व्हाट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, अभी देखना पूरा नहीं लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, एक्चुअली मैं प्रूफ करवा रहा हूं तुम लोगों को सम ऑफ रूट्स फॉर जनरल एंड डिग्री पॉलीनोमियल के लिए, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम क्या होता है, दैट इज मैं उस प्रूफ का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है, बाकी रेडीमेड हमारा फॉर्मूला तो आएगा ही अभी तो। और ये मेरा क्या है, अगर मैंने माइनस इधर लिख लिया इधर माइनस लिख लिया तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो ये क्या है सम ऑफ रूट। क्लियर है? अब इधर एक और अब एक और क्या आएगा मेरा कांस्टेंट पार्ट आएगा, कांस्टेंट पार्ट क्या आएगा प्लस लिख लेता हूं प्लस, इसके आगे इधर इधर लिखना है तो इधर लिख रहा हूं मैं प्लस, जब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा मेरा माइनस वन इंटू टू इंटू थ्री, दिस इज वॉट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्लियर है बच्चों? अच्छा ये हो गया मेरा थ्री डिग्री का, अब एक मिनट के लिए मैं फोर डिग्री और ले रहा हूं उसके बाद जनरलाइज करता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने कहा मैं फोर डिग्री पॉलीनोमियल ले रहा हूं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, लेट से इसके रूट्स हो गए वन टू थ्री फोर, लेट से दिस इज अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा,
ठीक है। अब मैंने बोला व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो मेरा क्या आएगा, देखो x की पावर 4 कब आएगा, जब मेरा हर एक ब्रैकेट का x मल्टीप्लाई हो, ये x इससे, ये x इससे, ये x इससे, तो x की पावर 4 आएगा, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो फिर मैं इसको रब कर देता हूं, ये मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं आता हूं किस पे, इसके लोअर वाले पे, तो x क्यूब पे आया। अब देखते हैं x क्यूब कैसे आएगा। देखो जब क्या होगा, तीन ब्रैकेट्स में थे, तीन ब्रैकेट्स का, तो x मल्टीप्लाई हो, मतलब ये x इससे, x से, और फिर ये x इससे, प्लस फिर उसके बाद जो x क्यूब आया वो माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो, तो माइनस 4 आ गया। सिमिलरली और कैसे आएगा, इन तीनों का x हो और वो जो x क्यूब हो वो माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो, तो यू कैन सी सिमिलरली यू विल गेट माइनस 2 एंड माइनस 3। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया इधर, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देख रहे हो इधर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, विच इज व्हाट, सम ऑफ रूट। क्लियर है, जैसे उधर आया था हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सम ऑफ रूट माइनस के बाद। अब सुनना, अब मैं एक काम करता हूं, एक एक्स स्क्वायर का और निकाल लेता हूं। अब एक्स स्क्वायर का कैसे आएगा, जब मेरे दो ब्रैकेट का तो एक्स मल्टीप्लाई हो, दो ब्रैकेट का एक्स मल्टीप्लाई हो, और फिर वो जो एक्स स्क्वायर है वो मेरा किससे मल्टीप्लाई हो, मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक बार माइनस 3 से और फिर माइनस 4 से, तो इधर क्या जाएगा, 3 इंटू 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4 आएगा, उसको मैंने 3 इंटू 4 लिख लिया, प्लस। और एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब अब मैं ये दोनों ब्रैकेट ले लेता हूं, इन दोनों को एक्स, और फिर जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस 1 इंटू माइनस 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 1 इंटू 4। सो यू कैन सी क्या आने वाला है हमारा, इधर वही चीज आने वाली है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। जितने तरीके से मैं दो का प्रोडक्ट ले सकता हूं, जैसे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू डेल्टा, वो सब आने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या देगा मेरा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। नाउ व्हेन यू विल सी एक्स क्यूब, इधर इधर तो सॉरी एक्स, अब इधर एक्स भी आएगा। अब एक्स कैसे आएगा, इधर जब मैंने पहले ब्रैकेट का तो एक्स लिया, ये वाला ब्रैकेट का एक्स लिया, अब ये ब्रैकेट का एक्स जब माइनस 2 से फिर माइनस 3 से फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या आएगा, बेसिकली माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4। फिर सिमिलरली और कैसे आएगा, जब मैंने ये वाले तीन ब्रैकेट का एक्स ले लिया और इसके कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आएगा माइनस, एक मिनट, एक्स चाहिए ना मुझे, तो सॉरी एक्स चाहिए, तो लेट से मैंने ये वाले ब्रैकेट का एक्स ले लिया और बाकी कॉन्स्टेंट ले लिया, तो 1 इंटू 3 इंटू 4, तो माइनस 1 इंटू 3 इंटू 4। सो यू कैन सी इस ब्रैकेट में क्या आने वाला है हमारा, इस ब्रैकेट में आने वाला है, देखना ध्यान से लिख लेना उसको, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि ये क्या लिखा, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, क्या लिखूंगा मैं लैंग्वेज फॉर्म में, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, लिखो इधर, दिस इज व्हाट, इस एक्स का ब्रैकेट जो आ रहा है दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। क्लियर है, 3 डिग्री के लिए हो गया, 4 डिग्री के लिए हो गया। अब मैं जनरलाइज कर देता हूं, ठीक है, क्लियर है बच्चों, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। देखो अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज अभी हम इसके लिए देखेंगे ना, तो और क्लियरिटी आ जाएगी, और 1% के लिए तो मैं थोड़ा सा डाउट भी आ रहा है हल्का फुल्का, तो डोंट वरी, हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो तो अब मैंने जनरलाइज करना चाह, जनरलाइज करते हैं हम, तो देखना जनरलाइज करने के लिए क्या किया, फिर मेरे को क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकाल ले एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम एंड सो ऑन। तो इधर क्या आएगा मेरा, इधर तो an लिखा है, अब समझना, चलो ऐसे समझ लो, अब x की पावर n कैसे आएगा मेरा, क्योंकि n ब्रैकेट्स हैं, तो x की पावर n मैक्सिमम, x की मैक्सिमम पावर n आएगा, वो कब आएगा, जब इसका x इससे मल्टीप्लाई हो, फिर इसका x इससे हो एंड सो ऑन, सभी ब्रैकेट्स के x मल्टीप्लाई हो, तो इधर आएगा x की पावर n, फिर प्लस। फिर मैंने बोला x की पावर n माइनस 1 कैसे आएगा, n माइनस 1 कैसे आएगा, कि देखो n में से n माइनस 1 ब्रैकेट्स है ना, उनमें तो x मल्टीप्लाई हो, तो x के पावर n माइनस 1 आ गया, और वो आखिरी ब्रैकेट से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या आ जाएगा, जैसे मैंने मान लो पहले n माइनस 1 ब्रैकेट्स लिए, तो उसके तो x मल्टीप्लाई हुए, और जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें से मैंने उसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा इधर, माइनस अल्फा n। अब और कैसे बनेगा x के पावर n माइनस 1, अब मैंने अभी क्या छोड़ा था, लास्ट ब्रैकेट छोड़ा था, अब लेट्स से मैं सेकंड लास्ट ब्रैकेट छोड़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले n माइनस 2 ब्रैकेट्स में तो x ले रहा हूं और एक आखिरी वाला x ले रहा हूं, तो n माइनस 1 आ गया, और जो सेकंड लास्ट ब्रैकेट था उससे मल्टीप्लाई, उसके कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा की पावर अल्फा n माइनस 1 एंड सो ऑन। इधर इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1। सो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये लिखा है माइनस और इधर सब प्लस होगा, ये हटा गया ये प्लस होगा, तो दिस इज व्हाट, सम ऑफ रूट्स, जो भी मैंने क्यूबिक और क्वाड इसके लिए समझाया था 4 डिग्री के लिए, तो दिस इज व्हाट, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। फिर सिमिलरली मेरा एक्स की पावर, फिर आएगा प्लस, और फिर इधर आएगा ब्रैकेट में कुछ, और फिर आएगा एक्स की पावर एन,
इधर मेरा क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। तो लेट्स से अगर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन मैंने रूट्स माने तो दो दो तरीके से आएंगे, अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री एंड सो ऑन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसके लिए हमें थोड़ा पीएनसी का आइडिया होना चाहिए, वो भी मैं तुम लोगों को आज की क्लास में दे दूंगा, ठीक है ना। हल्का सा आइडिया होना चाहिए और डिटेल डिस्कशन उसका अगेन पीएनसी चैप्टर में होगा। किसका, मैंने क्या बोला, जैसे इसको क्या लिखूंगा मैं, चलो लिख लो इसको पहले, दिस इज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टू एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, मतलब जितने भी तरीके से मैं n में से दो ऑब्जेक्ट पेयर बना पाऊंगा उतने टर्म्स होंगे, बट दो का प्रोडक्ट होगा। फिर सिमिलरली ये मेरा x की पावर n माइनस टू का कोफिशियंट है, फिर मेरा आएगा x, फिर मेरा आएगा माइनस टाइम्स, इधर लिख रहा हूं साइड में, तुम इसके आगे लिखना माइनस टाइम्स x की पावर n माइनस थ्री आएगा। इसमें क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, तो इधर आएगा लेट्स से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर, जितने तरीके से मैं तीन तीन का कॉम्बिनेशन ले सकता हूं। तो इसको लिखूंगा मैं सम ऑफ रूट्स, लिखना तुम लोगों को सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, थ्री एट अ टाइम, क्लियर हुआ, एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा, क्लियर है। अच्छा जो आखिरी टर्म होगा, आखिरी जो होगा वो क्या बनेगा, आखिरी मतलब कॉन्स्टेंट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, आखिरी तो ये चलता चला जाएगा, जैसे पहले x की पावर n लिखा, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू। देखो n माइनस वन में क्या आया, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, n माइनस टू में कितना है, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, x की पावर n माइनस थ्री का कोएफिशिएंट क्या आया, वो पॉजिटिव नेगेटिव हैंडल करेंगे हम, इसका कोएफिशिएंट क्या आया, सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट ए टाइम। तो फाइनली जो मेरा x की पावर वन आएगा, सॉरी कॉन्स्टेंट पार्ट आएगा, कॉन्स्टेंट पार्ट कब आएगा, जब मेरा हर एक ब्रैकेट का कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो, तो अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री, तो क्या जाएगा माइनस अल्फा वन इंटू माइनस अल्फा टू इंटू एंड सो ऑन माइनस अल्फा, दिस विल बी माय कॉन्स्टेंट पार्ट, क्लियर है बच्चों। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नाउ माई टारगेट इज मुझे निकालना है सम ऑफ रूट्स, तो अब मैं क्या करूं, कोफिशियंट कंपेयर कर लेता हूं, इधर इधर x की पावर n माइनस वन का कोफिशियंट क्या हो गया, an इंटू माइनस ऑफ दिस, वो किसके बराबर होगा, इधर n माइनस वन का कोफिशियंट विच इज an माइनस वन, तो मेरा उससे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स। फिर मैं क्या करूंगा, x की पावर n माइनस टू का कोफिशियंट दोनों साइड बराबर करूंगा, इधर से क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब अल्फा वन इंटू अल्फा टू प्लस अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री एंड सो ऑन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इंटू ए एन, इधर ए एन भी है क्योंकि एन हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू इधर एक्स की पावर एन माइनस टू का कोएफिशिएंट विच इज ए एन माइनस टू, तो बस वो लिखना है मुझे, ठीक है ना। तो मैं ऊपर का रब कर रहा हूं थोड़ा सा, तुम लोग कॉपी करो। अब देखना, तो मैं लिख रहा हूं ऐसे, लिखो ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ दी साइड। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्स की पावर एन माइनस वन किधर क्या जाएगा, ए एन माइनस वन। अच्छा कोई बोलेगा सर एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट क्यों नहीं इक्वेट किया, कर लो तुम, इधर क्या आएगा ए की पावर एन और इधर क्या आएगा ए की पावर एन, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन, उससे कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। हाँ अब आते हैं एक्स की पावर एन माइनस वन का कोएफिशिएंट, मैंने एलएचएस का लिख लिया, आरएचएस में क्या होगा, x की पावर n माइनस वन का कोएफिशिएंट ए एन इंटू माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ ए एन इंटू अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन, क्लियर है। अब देखो इससे आगे सम ऑफ रूट्स कैसे आ जाएगा, इस ए एन को मैं इधर लेके जाता हूं। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली आई विल कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ x की लोअर डिग्री टर्म्स, मतलब x की पावर n माइनस टू का करूंगा, n माइनस टू का करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, क्लियर है। तो मैं लिख लेता हूं, उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर दिक्कत आती है तो पूछ लेना, ठीक है ना, वैसे रिमाइंड करके भी दो एक बार सुनोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना, तो मैं इधर से फाइनली लिख रहा हूं ए एन माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ ए एन, दिस इज माई अल्फा वन प्लस अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एन, दिस इज इन लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखूंगा इसको, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम भी लिख लो, लेकिन सम ऑफ रूट इज सफिशियंट। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ रूट्स फॉर nth डिग्री पॉलीनोमियल, क्लियर है। अच्छा अब मैंने बोला कि जब तुमने, ये तो मेरा कब आया, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन,
अब मैंने बोला x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा RHS में क्या आएगा, an माइनस 2, सॉरी LHS पार्ट, और उधर क्या आएगा मेरा, माइनस an इंटू सम ऑफ रूट टेकन 289, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 2. तो इधर से मेरा क्या फॉर्मूला आ गया, एक और, माइनस ऑफ an माइनस 2 अपॉन an, दिस इज व्हाट, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन, ऑल पॉसिबल इक्वेशन. ये है क्या, बेसिक लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलूंगा इसको, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना. ये माइनस माइनस नहीं, इधर प्लस था उधर, ठीक है, तो ये प्लस ही रहेगा, चेंज कर लेना, मैंने माइनस लिखा इधर प्लस ही रहेगा, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया. तो सिमिलरली अब हम लिख नहीं रहा हूं, हम सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट ए टाइम निकाल सकते हैं. मैं क्या लिख रहा हूं इधर, लिख सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, देखो पहले माइनस आया था फिर पॉजिटिव, ऑल्टरनेट चलेगा, जब हमने डेरिवेशन किया था तो देखा था उधर, तो अब क्या आ जाएगा इधर, माइनस ए एन माइनस थ्री अपॉन ए एन, ये आ गया, एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू, ठीक है. अच्छा बस एक लास्ट लिख लेते हैं इसमें, जो देखो ज्यादातर तुम्हारा क्यूबिक या 4 डिग्री आएगा, ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत से बहुत 3 एट ए टाइम की, 4 एट ए टाइम की जरूरत कम ही चांसेस है, ठीक है. अच्छा अब फिर हम इसका लास्ट और लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आएगा, कॉन्स्टेंट पार्ट को इक्वेट करके, तो कॉन्स्टेंट पार्ट मेरा इधर क्या है, माइनस सॉरी ए नॉट, और उधर मेरा क्या आएगा, जब हर एक ब्रैकेट का कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो तो माइनस अल्फा 1, पहले तो ए एन है, फिर आएगा माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन माइनस अल्फा एन. तो अब देखना, मैं ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, माइनस कितने टर्म्स हैं इधर, एन रूट से तो एन टर्म्स है, हर एक बार माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं माइनस 1 को कॉमन ले रहा हूं, मतलब कॉमन ले रहा हूं, से मेरा मतलब माइनस 1 को एक साथ लिख रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू ए एन, तो लिखा ही है, फिर आ गया ये माइनस 1 की पावर एन, और इधर आ गया अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू एंड सो ऑन अल्फा एन. देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, माइनस 1 की पावर एन, क्यों, क्योंकि माइनस 1 माइनस 1 एन टाइम्स मल्टीप्लाइड है. अब मैं इसको लिख ले रहा हूं, तो पहले वीडियो पॉज करो, तुम इसको कॉपी करो, ठीक है ना. तो सम प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा मेरा इससे, तो ये क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे आया, ये टर्म को मैं इसके नीचे लेके गया, इसके ए नॉट के नीचे, तो फाइनली आई विल गेट ए नॉट अपॉन ए एन, और माइनस 1 की पावर नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, इट विल नॉट इंपैक्ट, माइनस 1 की पावर एन, दिस इज माई अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू एंड सो ऑन अल्फा एन, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ, क्लियर है बच्चों. सो ये हो गया हमारा थियरी रिलेटेड टू द सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट रिलेटेड टू एन डिग्री पॉलीनोमियल. अब इसके आधार पे एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट और पिक्चर हमारी क्लियर हो जाएगी. पहले तो मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लूंगा, सिंपल सिंपल, मतलब कैसे लिखेंगे हम सम ऑफ रूट 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट 3 एट ए टाइम, एक एग्जांपल से, क्योंकि अभी तो क्या है कि जैसे an an माइनस 2 वेरिएबल दिखते हैं ना, तो थोड़ा सा फील नहीं आती, बट इसी की जगह अगर मान लो 2 दिखेगा इधर 1 दिखेगा तो ज्यादा अच्छी फील आएगी, ठीक है. तो मैं क्या कह ले रहा हूं, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो. देखना अब मैंने क्या लिया, लेट्स से मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूं, नहीं तो क्वाड्रेटिक की बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट क्वाड्रेटिक के लिए ऑलरेडी हमने याद हो गया माइनस बी बाय एम सी बाय, तो बेटर है हम क्यूबिक का ले रहे हैं. तो लेट्स से मैंने लिखा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, चलो प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो दिस इज ए 3 डिग्री पॉलीनोमियल, समझना पहले, ठीक है ना. तो इसके तीन रूट्स होंगे, तो लेट्स से मैं लिख रहा हूं इंस्टेड ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आई एम राइटिंग अल्फा बीटा गामा, तो इसके तीन रूट्स है अल्फा बीटा गामा. तो अब क्या करना है ट्रिक से, देखो डायरेक्टली अब हम शॉर्टकट सीख रहे हैं, क्या करेंगे शॉर्टकट, क्या करो सबसे पहले तुम यहां से स्टार्ट करो और चेंज, यहां से नेगेटिव से स्टार्ट करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहले स्टेप बता रहा हूं, ठीक है. पहले तुम जो इस हाईएस्ट पावर है ना उसका एक आगे जाके पहले इधर नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट पॉजिटिव साइन लगाते जाओ, नेगेटिव से स्टार्ट करना है. अब क्या करो, अब लिखते हैं, तो मैं पहला लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा 3 बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट व्हिच इज 2. ये वही तो लिखा है, क्या लिखा है बेसिकली, हमने उधर किया था ड्राइव माइनस ऑफ ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, देखो यही लिखा है.
माइनस ऑफ माइनस थ्री बाय टू, तो सम ऑफ रूट इज थ्री बाय टू। सिमिलरली मैंने लिखा टू एट ए टाइम, तो अल्फा वन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ये सॉरी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट ए टाइम, तो क्या आएगा मेरा, फिर मैंने बोला क्या लिखेंगे फिर नेक्स्ट वाले टर्म पे गए, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, फोर आया फोर बाय टू विच इज टू। उधर हमारा क्या था फॉर्मूले में जब जनरलाइज किया था, तो ए एन माइनस टू अपॉन ए एन, तो देख रहे ए एन माइनस टू यही तो है, ये ए एन है एन माइनस वन एन माइनस टू, तो फोर बाय टू। तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे आप, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे याद रखेंगे, क्लियर है। तो लास्टली क्या बचता है, ये हो गया सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, ये टू एट ए टाइम, फिर क्या आएगा थ्री एट ए टाइम, और सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट ए टाइम आएगा, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा, तो क्या आ जाएगा माइनस लिखा है तो माइनस थ्री बाय टू। समझ में आया कैसे किया हमने, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम टू एट ए टाइम थ्री एट ए टाइम, क्लियर है। चलो वीडियो पॉज करो कॉपी करो, मैं और इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, जब तक दो चार बार नहीं करेंगे तो हमें रटेंगी नहीं चीजें, ठीक है, याद नहीं होंगी। तो मैंने लिखा एक और लिखी एग्जांपल, अब मैंने लिखा देखो अब थोड़ा सा एक्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, लेट्स इसके रूट्स है क्यूबिक है तो तीन रूट्स होंगे बीटा गामा, ठीक है। अब देखो अब एक बार वीडियो पॉज करके तुम लिखो सम ऑफ रूट taken one at a time, sum of root taken two at a time and sum of root take product of root, that is alpha into beta into gamma, अब मैं लिख रहा हूँ। so अब देखो तुरंत देखते से directly वो नहीं कर दिया negative positive alternate, ये गलत हो जाएगा जो अभी लिखा है, this is wrong, क्यों, क्योंकि हम तो x square से start करते हैं ना इसके just बाद वाला, तो मैं पहले इस cubic को ऐसे लिखूंगा 2x cube plus 0x square प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब मैं ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाऊंगा, तो देखो ये भी लिख लेना और उसको मार्क कर देना रॉन्ग है, तो तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि बहुत बहुत बार बच्चों से मिस्टेक होता है जल्दी जल्दी में वो इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं, देखो अब आंसर चेंज हो जाएगा, इधर से आएगा नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। तो अब इसके अगर रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो मैं क्या लिखूंगा सम ऑफ रूट अल्फा बीटा प्लस गामा, दिस इज माइनस ऑफ माइनस सॉरी माइनस माइनस वन इंटू जीरो विच इज जीरो, तो जीरो बाय टू कितना हो गया जीरो आ गया, सम ऑफ रूट इज जीरो। फिर मैंने बोला सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, क्या हो जाएगा मेरा एक्स का कोफिशिएंट प्लस इंटू वन, तो वन ही होगा डिवाइड बाय एक्स क्यू का कोफिशिएंट टू, तो सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम इज हाफ। फिर लास्टली मेरा आएगा थ्री एट ए टाइम, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा अल्फा बीटा गामा, क्या हो जाएगा माइनस लिखा है तो माइनस ऑफ टू, तो माइनस टू बाय टू which is minus one, तो ये हो जाएगा मेरा product of root, I hope clear हो गया होगा, ठीक है। चलो अब एक 4 degree का और लिख लेते हैं, ठीक है 4 degree का और ले लेते हैं, और फिर मैं वो बताऊंगा कि number of terms कितने होंगे वो 2 at a time 3 at a time के अंदर, ठीक है ना, that I will explain using PNC, थोड़ा सा idea दूंगा permutation and combination का, detail में नहीं देखेंगे हम वो चीज। अब देखना मैंने बोला 4 डिग्री पॉलीनोमियल, तो 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके चार रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो अगेन स्टार्ट करते हैं, क्या बताया मैंने प्रोसीजर, जो सबसे वाला बड़े वाला टर्म हो उसके बाद वाले टर्म के नीचे ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिए, तो यहां से नेगेटिव से स्टार्ट किया नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करें, अब लिखते हैं, तो पहला क्या आएगा सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा माइनस ऑफ माइनस फोर, तो फोर डिवाइड बाय एक्स की पावर फोर का कोफिशिएंट विच इज थ्री, तो पहला आ गया सम ऑफ रूट हमारा। बुक में क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, ठीक है ना, इवन जो तुमको मैंने कल डीपीपी दिया था आई थिंक डीपीपी 3, उसमें दो क्वेश्चंस थे तीन क्वेश्चंस थे टोटल, इन टोटल उनका भी डिस्कशन हम ले लेंगे, ठीक है ना, बेस्ड ऑन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्यूबिक एंड 4 डिग्री पॉलीनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक से हायर डिग्री पॉलीनोमियल के लिए। चलो अभी इधर आते हैं, अब मैंने बोला सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, अच्छा वीडियो पॉज करके कोई बता सकता है इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे विदाउट पीएनसी मैन्युअली काउंट करके, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे
ठीक है, तुम वीडियो पॉज करो और बताओ, मैं इधर लिख रहा हूँ। ये हो गया अल्फा के कॉम्बिनेशन, फिर प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा फिर गामा डेल्टा, टोटल 6 टर्म्स होंगे। ये आया कैसे, अभी इसको पीएनसी से भी समझेंगे, हम एक फॉर्मूला बताऊंगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, दिस इज व्हाट सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम। तो दिस विल बी, अब क्या करूं मैं, प्लस 1 प्लस इनटू 3 प्लस 3 तो 3 बाय 3 व्हिच इज 1। फिर मेरा आएगा सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, तो 3 एट ए टाइम में देखो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा और अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। सो इधर 4 टर्म्स आएंगे, ठीक है। कैसे आए वो 4 टर्म्स, वो भी हम समझेंगे, 4 टर्म्स। और आंसर क्या होगा, ये माइनस ऑफ 5, तो माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट व्हिच इज 3। और लास्टली अब क्या बचा हमारा, टेकन 4 एट ए टाइम, तो उधर तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा एंड दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो लास्टली हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, कितना होगा, प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 बाय 3। तो दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 4 एट ए टाइम, तो उससे एक ही कॉम्बिनेशन बना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब मैं उस पर आता हूँ थोड़ा सा पीएनसी वाले पार्ट पे, कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो अब मैंने बोला उसके लिए थोड़ा सा हमें ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं, दो फॉर्मूले हम एक्सप्लेन करूंगा, दो फॉर्मूले उसके मदद से हो जाएगा। पहला फॉर्मूला इज एन फैक्टोरियल, इसको रिप्रेजेंट करते रीड कैसे करते, दिस इज सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, रीड कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज एस ए, दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ फैक्टोरियल ओनली, दिस इज वॉट बेसिकली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू एन, मतलब इसको लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट FIRST लिखो, चलो फर्स्ट एन एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, दिख रहा है ना, एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने नेचुरल नंबर की हेल्प ली। अच्छा तो जैसे मैंने लिखा, अच्छा एक चीज और, एक चीज और जैसे नोट करके और लिख लो इधर, 0 फैक्टोरियल इज 1। अब कैसे आता है उसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है वैसे, क्योंकि अगर तुम बोलोगे सर 0 लिख दिया तो फिर कहां से स्टार्ट करें, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर तो 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर विच इज 2, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 विच विल बी 6, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 विच विल बी 24, फैक्टोरियल 5 विच इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 विच इज 120, प्रोडक्ट ऑफ 6 नेचुरल नंबर दिस इंटू क्या हो जाएगा 6 विच इज 720। तो इतना डाटा हमेशा हमने डिस्क पे रखेंगे, हम पीएनसी पढ़ेंगे जब, अभी नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ये फिगर्स भी याद होना चाहिए, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। क्या बोला मैंने, 3 फैक्टोरियल इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ 3 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो 1 इनटू 2 इनटू 3 व्हिच इज 6, फैक्टोरियल 4 इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर व्हिच इज 1 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 4 दैट इज 24। एक तो ये चीज याद रखी, दूसरी वीडियो पॉज करो, अब इसको कॉपी करो पहले, और ये नोट याद रखना 0 फैक्टोरियल इज 1, इसका प्रूफ बाद में देखेंगे हम पीएनसी में। अच्छा तो मैं अब इसको रब कर रहा हूं, अब मैंने बोला ये तो हो गया एक फॉर्मूला उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, सेकंड इज एक और है टर्म, इसको बोलते हैं एन फिर सी और आर, क्या लिखा, सी के इधर एक्स पावर में इस साइड लिखा एन और लोअर सबस्क्रिप्ट इज आर, इसको रीड, ये होता क्या है, नंबर ऑफ वेज लिख लो अभी, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स, number of ways to select r objects from n different objects, ठीक है। अभी लिख लिया, अभी एक्सप्लेन करता हूं, इसका फॉर्मूला लिख लो बस, अभी एन सी आर होता है n फैक्टोरियल, चलो फैक्टोरियल का ऐसे लिखते हैं, चलो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू
एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखो क्वाड्रेटिक में ये जरूरी नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। इन बुक यू विल नॉट फाइंड दिस, दिस यू विल फाइंड बट इन डिफरेंट चैप्टर, ठीक है। बट मैंने बता रहा हूं बिकॉज, चलो ठीक है एक बार बता देते हैं, अगर बीच में बच्चे को डाउट आया कि कैसे आया, तो दिस इज द रीजन एक्सप्लेनेशन। तो ये फॉर्मूला और जो मैंने एन फैक्टोरियल, ये दो फॉर्मूले से हमें आंसर आ जाएगा हमारा। अच्छा अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, इसने क्या बोला, एनसीआर मतलब क्या बोला कि नंबर ऑफ वेज, तरीके टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा मेरे पास तीन लेटर, तीन नंबर है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब मैंने बोला कितने तरीके से मैं दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूं, लेट्स से दीज आर माय थ्री ऑब्जेक्ट्स, कितने तरीके से मैं दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूं। तो पहले तो मैंने मैन्युअली काउंट किया, तो दो दो के कितने पेयर बनेंगे, एक तो अल्फा इंटू बीटा बनेगा, मतलब अल्फा और बीटा प्रोडक्ट बनने वाला, अल्फा बीटा सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, या फिर बीटा और गामा सिलेक्ट कर सकता हूं, और करके लिखो उधर, और बीटा गामा और अल्फा गामा, ये तो मैन्युअली काउंट कर लिया मैंने, तीन आ रहे हैं। क्या किया मैंने, इन तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, मतलब या तो मैं अल्फा बीटा ले लूं, या बीटा गामा ले लूं, या गामा अल्फा ले लूं, ठीक है। अच्छा तो अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, इस फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू द, मैंने जो क्वेश्चन बनाया, मैंने क्या बोला तीन ऑब्जेक्ट में से दो सिलेक्ट करने हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, आर इज टू। तो इस फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल विच इज थ्री फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मतलब टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर मतलब थ्री माइनस टू। तो ये हो जाएगा ऊपर हो गया थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, और नीचे क्या है टू फैक्टोरियल विच इज टू इंटू वन, और इधर क्या आएगा थ्री माइनस टू विच इज वन फैक्टोरियल, तो वो क्या आएगा वन। तो देख रहा है ये टू से ये टू कैंसिल, कितना आया आंसर तीन। तो तीन तरीके थ्री वेज, और दिख रहा है हमने मैनुअली काउंट किया था एक दो तीन, तीन तरीके से हमारे तीन तरीके से आई कैन सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है। अब समझ में आ गया होगा उधर कैसे करेंगे, है ना। चलो तो क्या किया, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो पहले। अब मैं एक बार और वो इसी पार्ट पे आता हूं, देखना। अब जैसे अभी अपन ने चार वाला किया था, जो चार वाला किया था फोर डिग्री पॉलीनोमियल, उसके लिए मैंने क्या बताया था, मैन्युअली किया था हमने कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। तो कितने टर्म्स आए थे मेरे, सिक्स टर्म्स आए थे। अब हम इसको इस फॉर्मूले से प्रूव करते हैं, ये तो मैनुअली किया मैंने, ठीक है ना। अब कैसे होगा, जो मेरे टोटल कितने हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन चार ऑब्जेक्ट में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, फोर ऑब्जेक्ट्स है ये, ऐसे सोचो ये फोर ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, उसके कितने तरीके होंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, एन की वैल्यू फोर, तो फोर सी नंबर ऑफ कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं दो, तो जितने तरीके से मैं सिलेक्ट करूं उतने पेयर बनेंगे, तो 4c2 हो जाएगा। तो फॉर्मूले करूंगा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, तो 4 माइनस 2 व्हिच इज 2 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेट कर लो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1, और 2 फैक्टोरियल इज 2 इनटू 1, और 2 फैक्टोरियल अगेन इज 2 इनटू 1, तो ये 2 टू द 4 इज 4 से गया, 3 टू द 6, तो 6 टर्म्स बनेंगे हमारे, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अच्छा एक और एक और लास्टली देख लेते हैं, इन सबको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब मैंने बोला सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट ए टाइम में क्या आया था, फोर डिग्री पॉलीनोमियल में मेरे क्या क्या आए थे, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा, चलो इधर लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थे, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, तो कितने तरीके आए थे, फोर वेज, फोर कॉम्बिनेशन बने मेरे। अब इसको मैं इसमें कैसे रीड करूंगा, चार ऑब्जेक्ट में से तीन सिलेक्ट करने हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई फोर, आर कितना हो गया थ्री, तो लगा लो फोर सी थ्री, कितना हो जाएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो फोर माइनस थ्री वन फैक्टोरियल, तो दिस इज फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और नीचे लिखा है थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये कैंसिल हो गया, यू विल गेट फोर, तो फोर वेज आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, समझ में आया ना। चलो चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी लिखो, कॉपी करो। अब मैं एक दो पॉइंट और लिखवा देता हूँ रिलेटेड टू एन डिग्री पॉलीनोमियल, ठीक है, उसके बाद फिर हम एंड अप करेंगे आज का लेक्चर, न्यूमेरिकल्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैंने क्या बोला, एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं रिलेटेड टू nth डिग्री पॉलीनोमियल, ठीक है ना। जैसे अपना क्वाड्रेटिक में था, कि मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक में
अगर मैंने बोला क्वाड्रेटिक में अगर दो से ज्यादा वैल्यू अगर सेटिस्फाई करती हैं तो क्या हो जाता है, वो आइडेंटिटी हो जाता है, एंड इन दैट केस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखवाया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मैंने बोला इफ दिस इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स देन दिस विल बी एन आइडेंटिटी एंड इन दैट केस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब विज़ उसी का विज़ इधर क्या बोलूंगा, जो मेरा इफ इफ अब मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, इफ दिस इज सेटिस्फाइड, इफ दिस इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन अब उधर क्वाड्रेटिक था तो मैंने क्या बोला था टू से ज्यादा अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी होता है। इधर क्या लिखूंगा एन से ज्यादा, क्योंकि एन डिग्री है ना, एन तो होंगे ही, अगर एन से ज्यादा हो गए रूट्स, एन से ज्यादा एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर गई तो दिस विल बी एन आइडेंटिटी। तो क्या लिखूं, इफ दिस इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन एन वैल्यूज ऑफ एक्स, मोर देन एन वैल्यूज ऑफ एक्स देन इट विल बी एन आइडेंटिटी, देन इट विल बी एन आइडेंटिटी, then it will be an identity, and in this case क्या होगा ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस टू एंड सो ऑन ऑल को, चलो इधर लिख लो ए वन इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो, सारे कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएंगे जैसे उधर था ए बी सी जीरो, सेम है, कुछ अंतर नहीं है। ये बोल सकते कि वो जो क्वाड्रेटिक है ना वो इसका स्पेशल केस है वेयर एन इज टू, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पर, ये हो गया पहला नोट। दूसरा है, मैंने बोला था कि अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो जो मेरे कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं दैट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, तो इधर भी वैलिड है वही चीज। क्या मैंने लिखूंगा, इफ कोफिशिएंट्स आर रियल देन इफ एग्जिस्ट imaginary roots will occur in conjugate pair। तो इसमें तो कोई explanation की बात है नहीं, ठीक है ना, ये हम उधर भी पढ़े थे, ठीक है ना। अच्छा बट इससे एक important चीज क्या निकलेगी, देख ला मैंने बोला कि coefficients real होंगे तो imaginary root अगर आते हैं तो conjugate pair में आएंगे। अब मैंने बोला कि ठीक है इमेजिनरी रूट्स आए कॉन्जुगेट पेयर में, अगर मान लो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री है इसका मतलब क्यूबिक है या फाइव डिग्री पॉलिनोमियल है या सेवन डिग्री पॉलिनोमियल है, उसके ऊपर क्या मैं कमेंट करूंगा, जस्ट थिंक इट। मैंने बोला इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि अगर कोफिशियंट्स रियल है तो जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इज अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो पहले मैं लिख लेता हूं, मैं इसके ऊपर वाले को रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो इसको, ठीक है। मैंने बोला थर्ड विल बी फॉर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने बोला कि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो पेयर में आते हैं, अब ऑड डिग्री है इसका मतलब रूट क्या होंगे, लेट्स से मैंने थ्री मान लिया, फॉर एग्जाम्पल थ्री रूट्स, तो व्हाट वी कैन कमेंट, क्या मैं ऑड डिग्री के लिए कुछ ऐसा कमेंट कर सकता हूं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा, जस्ट थिंक इट। मैंने बोला फॉर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल देयर इज एटलीस्ट वन रियल रूट, सारे इमेजिनरी नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या लिखो, देयर इज एटलीस्ट वन रियल रूट और लिख लो और odd number of real roots। सोचो क्या है, जैसे मैंने थ्री का एग्जांपल लिया तो मैंने बोला कि देखो या तो इसके तीनों रूट्स रियल होंगे, थ्री रियल होंगे, या फिर क्या होगा, मैंने बोला अगर मान लो इमेजिनरी रूट आ गया तो वो पेयर में आएगा, तो एक के चलते क्या आएंगे, दो रूट हो जाएंगे तो टू इमेजिनरी हो जाएंगे। अब मैंने बोला क्या थर्ड वाला इमेजिनरी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसका कॉन्जुगेट कहां से लाएंगे हम, क्योंकि हमें तो तीन ही चाहिए ना रूट्स,
तो इसका मतलब डेफिनेटली जो रूट होगा एक रियल होगा. दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज फॉर क्यूबिक. या तो तीनों रियल होंगे या दो रियल होंगे, दो इमेजिनरी होंगे, एक रियल होगा. सो यू कैन सी इन बोथ द केसेस देयर इज एटलीस्ट वन रियल रूट, तो वही लिखा है वन रियल रूट. या फिर मैं बोलूंगा ऑड नंबर ऑफ रियल रूट, मतलब देखो थ्री इज ऑल्सो ऑड नंबर, वन इज ऑल्सो ऑड नंबर. जैसे मैंने मान लो फाइव डिग्री पॉलीनोमियल ले रहा हूं, फाइव रूट्स होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं आप क्या क्या होगी. या वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज पांचों रियल हो जाए, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि दो इमेजिनरी हो जाए, तीन रियल हो जाए. मैंने बोला एक इमेजिनरी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि फिर उसका कॉन्जुगेट क्या करेगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स तो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं. ये और ये सब डिस्कशन कब चल रहा है, व्हेन कोएफिशिएंट्स आर रियल, कीप दैट इन माइंड. और पॉसिबिलिटी क्या है, क्या थ्री इमेजिनरी हो सकते हैं, नहीं, तो फोर इमेजिनरी का बनेगा, फोर इमेजिनरी वन रियल. तो देखो ये स्टेटमेंट वैलिड हो रहा है, एटलीस्ट एक रियल रूट तो आ ही रहा है क्योंकि ऑड डिग्री पॉलीनोमियल है. प्लस या फिर ऑड वन रियल रूट बोलो या फिर ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स, फाइव इज ऑड, थ्री इज ऑड, वन इज ऑड. इवन के लिए ऐसा नहीं है, इवन में तो क्या है, जीरो रियल रूट भी आ सकते हैं. जैसे मैंने इवन इवन लिया, जैसे फोर रूट्स वाला लिया, फोर डिग्री पॉलीनोमियल, तो इसमें तो क्या हो सकता है, चार रियल आ सकते हैं, या फिर दो इमेजिनरी दो रियल, या फिर फोर इमेजिनरी, क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है. देखो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है इसमें, देखो इधर तो हमारे एक भी रियल रूट नहीं आए, और ऑड नंबर ऑफ रियल रूट वो भी गलत हो गया. क्लियर है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट रूट था, ठीक है. अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कॉन्जुगेट रूट्स पेयर इमेजिनरी अगर आते हैं तो पेयर में आते हैं कब, व्हेन कोएफिशिएंट्स आर रियल. तो इसी के विज़ाविस हमारा उधर हम क्या पढ़े थे, एक और स्टेटमेंट पढ़े थे रिलेटेड टू रैशनल रूट्स. तो लिख लो, वो भी लिख लो, लिखना है तो कि इफ कोएफिशिएंट्स आर रैशनल, अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल है एंड इफ इरैशनल रूट्स अकर तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे. जैसे मैंने बोला एक अगर टू प्लस रूट थ्री है तो दूसरा टू माइनस रूट थ्री होगा, ठीक है, समझ में आया. तो वो स्टेटमेंट मैं लिखवा नहीं रहा हूं, वही तुम उधर से इसी में बस क्या करोगे, इमेजिनरी की जगह क्या वर्ड यूज होगा हमारा, इरैशनल रूट्स. इफ अगर और कोफिशियंट्स क्या होंगे, इसमें तो रियल लिए थे, इसमें क्या लिखूंगा मैं, इफ कोफिशियंट्स आर रैशनल, तभी मैं कमेंट करूंगा. चलो लिख ही लेते हैं, एक काम करते हैं, एंड अप करते हैं इसको इस स्टेटमेंट से. तो मैं इसको रब कर रहा हूं, पहले मैंने बोला इफ कोफिशियंट्स आर रैशनल, लिख लो फोर्थ पॉइंट, इफ कोफिशियंट्स आर रैशनल, इफ कोफिशियंट्स आर रैशनल, ठीक है, एंड If irrational root, irrational roots, if irrational roots are there, then they will be in conjugate pair. ऐसे लिख लो. Then they will be in conjugate pair. Then they will be in conjugate pair. ठीक है, समझ में आया. तो आज हमने क्या देख लिया, एक तो होमवर्क क्वेश्चंस देखे थे पार्ट वन में, और इस वाले पार्ट टू में हमने क्या देखा, अबाउट द डिस्कशन अबाउट द एनएट डिग्री पॉलीनोमियल, और उसमें सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम, एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो डीपीपी मैंने तुम लोगों को होमवर्क के लिए दी थी कल, डीपीपी थ्री, उसमें दो तीन क्वेश्चन है, एक तो है एपी से रिलेटेड, एक जीपी से रिलेटेड, और एक है हमें निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर माइनस टू प्लस बीटा की पावर माइनस टू प्लस गामा की पावर माइनस टू. तो वो चीज निकालना तुम लोग पहले इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, उसके बाद, ठीक है ना, मैं बता दूंगा, एक बार रिमाइंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे. दो थ्री या तीन या चार क्वेश्चन है मैक्सिमम, वो तुम्हें आज का लेक्चर तुम देख लोगे, उसके बाद मोस्टली चांसेस है बनने के. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.